गुड मॉर्निंग बीएससी पैटर्न अकाडमी की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम एल्गी के अंतर्गत पॉलीसाइक्लोनिया का अध्ययन करेंगे। पॉलीसाइक्लोनिया एक रोडोफाइसी का मेंबर है, अर्थात रेड एल्गी है, रेड कलर की एल्गी है। यह समुद्र में पाई जाती है, मराइन हैबिटेट्स में पाई जाती है और यह एल्गी क्योंकि रोडोफाइसी का मेंबर है जिसमें रोडोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जैसे कि क्लोरोफिल ए और डी का पाया जाना या पाइकोरेथिन और आर पाइकोसाइनिन का पाया जाना, क्लोरिडियन स्टार्च की प्रेजेंस, नॉन मोटाइल सेल्स सारी लाइफ साइकिल में रहना, ये सारे बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रेड एल्गी के सारे इसमें मिलते हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ रोडोफाइसी का मेंबर है, सब क्लास इसकी क्लोरिडी है। क्लोरिडी के जो मेंबर्स हैं एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, अर्थात जो शीर्ष वाला भाग है वह वृद्धि करेगा, एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरिडी के मेंबर्स में कई सारे डिस्कॉइड या बिंबाक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, कई डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाएंगे। इसके अलावा फ्लोरिडी के मेंबर्स की जो सेल्स होती हैं उनमें फिट कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कोशिकाएं हैं वो आपस में फिट कनेक्शंस के द्वारा पिट्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, उनमें आपस में कनेक्शन रहता है। सब क्लास फ्लोरिडी ऑर्डर का सिरेमियंस, सिरेमियंस के मेंबर्स की विशेषता होती है कि इनमें डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल से क्या अर्थ है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत विशेष प्रकार की होती है। लाइफ साइकिल में दो बार स्पोरोफिटिक फेस आती है, स्पोरोफाइटिक फेस दो बार लाइफ साइकिल में आएगी, उसी लाइफ साइकिल को हम डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। साथ ही सिरेमियंस के जो मेंबर्स होते हैं इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है हमेशा मल्टी एक्जियल पॉलीसाइक्लोनस होता है, मल्टी एक्जियल पॉलीसाइक्लोनस से क्या अर्थ है, सर्कल कहते हैं पतली नली को, अर्थात इसका जो प्लांट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, जैसे बताया पिट कनेक्शन से, पिट कनेक्शन के द्वारा कोशिकाओं में आपस में कनेक्शंस बने हुए हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, तो एक के ऊपर एक लगी हुई जब कोशिकाएं होती हैं वह एक नली के समान संरचना बना लेती हैं, तो उसे हम साइफोनस स्ट्रक्चर कहेंगे। ऐसे कई सारे साइफोन्स इसके फिलामेंट में पाए जाएंगे, तो इसे पॉलीसाइफोनस कहेंगे। मल्टी एक्शियल अर्थात एक एक्सिस के चारों ओर हमें केवल एक ही सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसे कई सारे सिलेंडर्स को घेरे हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर मल्टी एक्शियल कहलाएगा। तो पॉलीसाइक्लोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी एक्शियल पॉलीसाइक्लोनिया स्ट्रक्चर है, इस कारण इसे डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल है, इसलिए इसे सिरेमियंस ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। क्लास इसकी रोडोमिलियेसी कहलाती है। क्लासेस की रोडोमिलियेसी है। रोडोमिलियेसी के मेंबर्स की विशेषता है कि जो सेंट्रल सिलेंडर होता है, सेंट्रल सिलेंडर यह हमेशा यूनिन्यूक्लिएट या एक केंद्रकी होगा। यूनिन्यूक्लिएट सेंट्रल सिलेंडर का मतलब जिसे यहाँ आपको बताया पॉलीसाइक्लोनस मल्टी एक्सियल फिलामेंट है, मल्टी एक्सियल है अर्थात केंद्र में एक सिलेंडर है, एक साइफन या एक तंतु है, पाइप की तरह से बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके चारों ओर से कई सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो जो केंद्र वाला पाइप नुमा स्ट्रक्चर साइफन नुमा स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल सिलेंडर कहलाएगा। इस सेंट्रल सिलेंडर की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो एक ही के उसमें एक ही केंद्र मिलता है, वो एक केंद्र की कोशिका है, यूनि न्यूक्लियर सेल पाई जाती है। इसके अलावा रोडोमिलियेसी के मेंबर्स में जनन को जो अंग है वो हमेशा
ट्राइकोब्लास्ट पर बनते हैं। ट्राइकोब्लास्ट छोटी शाखाएं होती हैं, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं। तो ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर जनन संरचनाएं बनेंगी, सीमित वृद्धि की शाखाओं के ऊपर जनन संरचनाएं बनेंगी। जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो जिन ट्राइकोब्लास्ट पर बनेंगे, जिन शाखाओं पर बनेंगे, ये शाखाएं हमेशा ब्रांच होंगी या शाखित होती हैं। जबकि फीमेल जो ट्राइकोब्लास्ट हैं, जिनके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, वो ट्राइकोब्लास्ट अनब्रांच होते हैं। तो इस प्रकार से मेल ट्राइकोब्लास्ट ब्रांच हैं, जबकि फीमेल ट्राइकोब्लास्ट में अनब्रांच पाए जाते हैं। बात करते हैं पॉलीसाइक्लिनिया के हार्ट अटैक के बारे में, इसके अक्रेंस के बारे में, कहाँ मिलेगा पॉलीसाइक्लिनिया। रोडोफाइसिका मेंबर, ईयर मेंबर हमेशा मराइन हैबिटेट में मिलता है और समुद्री जल में अर्थात, और यह या तो किसी न किसी अन्य प्लांट के ऊपर एपिफाइट के रूप में मिलेगा। एपिफाइट आपको बताया था, ऐसे पादप जो कि अन्य पादपों पर लगे रहते हैं, तो यहाँ तो यह एपिफाइट के रूप में मिलेगा और या फिर लिथोफाइट के रूप में। लिथोफाइट अर्थात चट्टान के ऊपर, तो लिथोफाइट फाइट के रूप में मिलता है और या फिर ये एपिफाइट के रूप में मराइन हैबिटेट्स में समुद्र में पाया जाएगा। रेड कलर का है, यह एक शाखित एल्गी है, बहुत ज़्यादा इसमें शाखाएं पाई जाती हैं। इसका जो तंतु होता है वह तंतु में शयान और ऊर्ध दोनों प्रकार के तंतु मिलते हैं। इसके थैलस में दो प्रकार के तंतु मिलते हैं, शयान और ऊर्ध प्रकार के तंतु, है ना। तो शयान तंतु होते हैं, उन शयान तंतुओं से इसमें राइजॉइड्स निकलते हैं। राइजॉइड्स इससे कैसे होते हैं, क्योंकि इसके राइजॉइड्स हैं ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिक राइजॉइड्स होंगे। तो जो थैलस है दो प्रकार के तंतुओं का बना है, शयान और ऊर्ध। शयान तंतुओं से राइजॉइड्स निकल रहे हैं जो यूनिसेलुलर और या एक कोशिक होते हैं। इन राइजॉइड्स के जो दूरस्थ सिरे होते हैं वो शाखित होंगे। तो जैसे राइजॉइड है एक कोशिक है, तो दूरस्थ जो शिरा होगा वैसे करके शाखित फैला हुआ होता है। तो ये जो फैला हुआ भाग होगा राइजॉइड का, इससे ये आधार से चिपका हुआ रहता है। और जो शयान तंतु है उससे नीचे की तरफ तो राइजॉइड्स निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ इनसे हमेशा इरेक्टर फाइबर्स या ऊर्ध तंतु निकले रहते हैं। तो शयान तंत्र है, इससे नीचे की तरफ तो हमें यहाँ पे ब्रांच राइजॉइड्स दिख रहे हैं ऐसे, और ऊपर की तरफ को निकले हुए यहाँ से इरेक्टर तंतु दिखेंगे। अब ये जो पॉलीसाइक्लिनिया के तंतु होते हैं ऊपर की तरफ से इरेक्टर तंतु निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा से शाखित रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें ब्रांचिंग होती है और इतनी डेंसली इतनी सघन ब्रांचिंग होती है कि ये आपस में एक है ना आपको बहुत सघन झाड़ी जैसा या बोश टाइप का चपटा स्ट्रक्चर की तरह से दिखाई देगा। बहुत शाखित होने के कारण ये काफी गुच्छ की तरह से नजर आता है और इसका कलर रेड है, जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में ब्राउन के जैसा भी शेड देता है। ये ऐसा प्लांट की आपको समुद्र में किसी आधार पे, पत्थर पे, चट्टान पे या किसी भी प्लांट पे लगा हुआ दिखेगा। भारत में पॉलीसाइक्लिनिया की कुल 16 स्पीशीज, 16 जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में कुल 16 स्पीशीज पाई जाती हैं। अब हम बात करें इसके प्लांट के डिटेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो आपको जैसा बताया पॉलीसाइक्लिनस स्ट्रक्चर है, क्या करते हैं, तो इसका जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट में इस तरीके से एक के नीचे एक ये सेल, लंबी सेल्स हैं, लंबी सेल्स हैं जो एक के नीचे एक इस तरीके से बनी रहती हैं सेंट्रल सिलेंडर में। अब ये जो सारी सेल्स हैं इनके आपस में कनेक्शंस हैं, तो बताया था पॉलीसाइक्लिनस स्ट्रक्चर बन गया, ये से पिट कनेक्शंस है, उसके कारण ये पूरा एक साइफन जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो सबसे एक साइफन बना है ये सेंट्रल साइफन या केंद्रीय साइफन कहलाएगा। अब इस केंद्रीय साइफन को चारों तरफ से घेरे हुए ऐसे ही अन्य साइफन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसको बोर्ड पे देखेंगे तो हमें केवल दो साइफन ही नजर आएंगे, जबकि चारों तरफ ऐसे ही साइफन की सेंट्रल साइफन को ऐसे घेरे हुए हैं। और इनमें भी इस तरीके से पिट कनेक्शंस प्रेजेंट है, आपस में भी इन सेल्स में पिट कनेक्शंस हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये पॉलीसाइक्लिनस स्ट्रक्चर बन गया, एक
और सल्फर जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर हमें सेंट्रल सिलेंडर का देखने को वो सॉरी एक्सियल फिलामेंट का देखने को मिलता है। जो मेन एक्सिस है इसकी पॉलीसेरेमिया की उसमें देखने को मिलेगा। अब ये जो मेन एक्सिस है इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की, इस मेन एक्सिस से साइड ब्रांचेस निकलती रहती है, निकली हुई होती है। इस जो मेन एक्सिस की यदि हम बात करें तो कई बार जब प्लांट पुराना थोड़ा हो जाता है तो ये जो बाहरी सिलेंडर है बीच वाले सिलेंडर को हम सेंट्रल सिलेंडर साइकिल कह रहे हैं, और जो इसके हम घेरे हुए बाकी सारे साइफन्स हैं ये पेरिसेंट्रल साइफन के हैं। तो एक सेंट्रल साइफन के जो बहुत सारे पेरिसेंट्रल साइफन है। अब ये जो प्लांट जो पुराना हो जाता है तो इसके पेरिसेंट्रल सिलेंडर की जो साइज होती है ये भी डिवाइड करके अपने चारों ओर ऐसा और सेल सिलेंडर बनाएगी, इसी प्रकार के और सेल्स बनाएगी। और वो जो सेल्स होती हैं वो कॉर्टिकल सेल्स कहलाती हैं। नॉर्मली सेंट्रल सिलेंडर और पेरिसेंट्रल सिलेंडर भी पाया जाता है, लेकिन पुराने प्लांट में यहाँ पर कॉर्टिकल सिलेंडर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि छोटी सेल्स के बने हुए होते हैं, परंतु ऊपर का जो हिस्सा होगा ऊपर का हिस्सा केवल सेंट्रल और पेरिसेंट्रल सिलेंडर का ही बना हुआ होगा। बेसिक जो बेस वाला जो भाग है उसमें हमें कॉर्टिकल सिलेंडर्स मिल सकते हैं। अब जो मेन एक्सिस होती है, इस मेन एक्सिस पर हमें दो प्रकार की शाखाएं देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो शाखाएं हैं वो कहलाती हैं ट्राइकोब्लास्ट। अब ट्राइकोब्लास्ट क्या है, ये बहुत छोटी शाखाएं होती हैं, सीमित शाखाएं होती हैं, और इस मेन एक्सिस पर चारों ओर स्पाइरल फ्रंट में या सर्कल फ्रंट में लगी हुई रहती हैं। ट्राइकोब्लास्ट छोटी शाखाएं हैं और यह मेन सिलेंडर पर सर्कल क्रम में बनी रहती है, लगी रहती है। जब जनन होता है तो शीर्ष पर जो लगी हुई जो एपिकल रीजन के आसपास जो लगी हुई ट्राइकोब्लास्ट होती है वो ट्राइकोब्लास्ट जनन संरचना का निर्माण करती है। दूसरी इसमें होती है लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग ब्रांचेस, लॉन्ग ब्रांचेस ये लंबी शाखाएं, ये शाखाएं ट्राइकोब्लास्ट की ही बेसल जो दो या तीन सेल्स होंगी उन सेल्स से ओरिजिनेट होती हैं, और यह जो शाखाएं होती है लंबी शाखाएं होती हैं और ब्रांचों में भी और आगे हमें ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक शाखित तंतुनुमा स्ट्रक्चर है जो कि कई सारे साइफन स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। अब इसकी यदि हम प्रत्येक सेल को देखें, पॉलीसाइफोनिया की प्रत्येक कोशिका में एक लंबी कोशिका होती है और हर कोशिका में एक केंद्रक मिलेगा, साथ ही इसकी परिधि परिधि पर यहाँ बाउंड्री बाउंड्री पर हमें कई सारे डिस्पाइड क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलेंगे। जो कोशिका द्रव है उसे कोशिका द्रव में फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में इसमें संचित भोज्य पदार्थ पाया जाएगा, पायरिनाइड्स का अभाव होता है, और जो इसकी सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में अंदर की तरफ सेलुलोज और बाहर की तरफ एक्टिन की लेयर पाई जाती है।